हम खड़े हैं पलहड़ा स्थित शूटिंग रेंज में। यहाँ की डबल ट्रैप शूटिंग रेंज ने देश को अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। वहीं कई खिलाड़ी यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन इस समय यह रेंज सुनसान पड़ी है। यहाँ पर खिलाड़ियों का आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका है। इस डबल ट्रैप शूटिंग रेंज में इन दिनों अभ्यास बिल्कुल नहीं चल रहा है। यहाँ पर झाड़ियाँ उग चुकी हैं। बता दें कि रेंज के पास कॉलोनी कटने के कारण यहाँ पर रेंज बंद कर दी गई। कॉलोनी वासियों का कहना था कि रेंज से निकलने वाले छर्रे उनकी कॉलोनियों में गिरते हैं, जिस कारण रेंज को स्टे लगा दिया गया और यहाँ पर खिलाड़ियों का आना जाना बंद हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल ट्रैक शूटिंग रेंज की मशीनें लगी हुई हैं। इधर दो मशीनें लगी हुई हैं। यहाँ पर पहले कई बड़े स्तर की प्रतियोगिताएं भी हो चुकी हैं। आखिरी बार यहाँ पर प्री स्टेट का आयोजन किया गया था, जिसमें कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन इन दिनों यह रेंज बुरे हालातों से गुजर रही है। यहाँ पर खिलाड़ियों का आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका है। मेरा नाम सैयद मोहम्मद फैसल है। मैं लक्ष्मण अवार्ड शूटिंग में और 2001 में मुझको लक्ष्मण पुरस्कार मिला था और फिलहाल मैं एयर इंडिया में कमर्शियल ऑफिसर हूँ स्पोर्ट्स कोटे में। पलहड़ा में स्थित ये ट्रैप शूटिंग रेंज बंद पड़ी है कुछ काफ़ी समय से, और कॉलोनी के लेकर समस्या है, कुछ इस बारे में बता दीजिए। देखिए भैया, मेरठ और मेरठ के आसपास के ज़िलों के जो शूटर्स हैं राइफल पिस्टल के साथ साथ ये जो इवेंट है शॉटगन का, जो ट्रैप डबल ट्रैप और स्कीट इवेंट होता है, उसके बहुत शूटर्स हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के भी सारे खिलाड़ी बहुत यहाँ पे हैं। और हुआ ये है कि ये बहुत अच्छी रेंज बनी थी, यहाँ पे नेशनल चैम्पियनशिप भी हुई है और इसके बराबर में जो कॉलोनाइज़र हैं जिन्होंने ये कॉलोनी डेवलप की, वो रेंज के बनने के कम से कम 10-15 साल बाद ये कॉलोनी आई है। और 2016 में द्रोणाचार्य स्पोर्ट्स डेवलपमेंट सोसाइटी ने जो ये रेंज बंद पड़ी थी सर, उसको दोबारा से डेवलप करने के लिए टेक ओवर किया था। हम लोगों ने बहुत मेहनत की, 4-5 प्रतियोगिताएँ हुई स्टेट लेवल की। आज 200 बच्चे शूटिंग के आसपास के ज़िलों के और मेरठ के यहाँ आते हैं, पर लेकिन कॉलोनाइज़र ने जो वादा किया था कि हम लोग जो हैं इसकी सुरक्षा की जो बाउंड्री की जिम्मेदारी है उसका खर्च हम उठाएंगे, उस वजह से ये सारा काम पेंडिंग पड़ा है और कॉलोनाइज़र कोर्ट चले गए थे। तो द्रोणाचार्य ने अप्रोच करके CSR फंड से रेंज डेवलपमेंट के लिए ONGC से भी एक बहुत बड़ा फंड लिया हुआ है, जो कि ये मामला सारा अगर हल हो जाए तो ये रेंज दोबारा से चालू होगी और मेरठ के जो बच्चे आज दिल्ली जाते हैं उनको मेरठ में ही शूटिंग करनी होगी। बताते चले कि मेरठ के अंतर्राष्ट्रीय शूटर शार्दुल विहान यहां अभ्यास कर चुके हैं, लेकिन यह रेंज बंद होने के कारण यहां के शूटरों को दिल्ली जाना पड़ता है, जिससे काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इन दिनों यह रेंज दुर्गति का शिकार हो रही है। कैमरामैन किशन सूदन के साथ सागर कश्यप, जनवानी न्यूज़, मेरठ।